हेलो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी सीरीज़ का वीडियो है। हमने पुराने वीडियो में इससे पहले जो किया था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ा था, जो कि पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। हम पार्ट फोर्थ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये जो रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A में आता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आखिर हैं क्या। दे आर मॉरली ऑब्लिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज, एंड दीज ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशियबल एंड विदाउट एनी लीगल सेंक्शन इन केस ऑफ देयर वॉयलेशन और नॉन कम्प्लायंस। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को मॉरली कहता है कि ये ड्यूटीज को परफॉर्म करें, ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं की जा सकती हैं और इनके ऊपर कोई लीगल सेंक्शन नहीं लगाया जा सकता अगर ये वॉयलेट होती हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसका जो कॉन्सेप्ट था वो USSR से लिया गया। आइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। ये टोटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हैं 11। इन 11 ड्यूटीज़ को हम एक एक करके देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो ये कहती है कि इंडियन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनकी रिस्पेक्ट की जाए। सेकेंड ड्यूटी ये कहती है कि चैरिश एंड फॉलो करो, संजो के रखो जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं जिसने इंस्पायर किया था नेशनल स्ट्रगल। जो थर्ड ड्यूटी है वो ये कहती है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बना के रखा जाए, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ ड्यूटी ये कहती है कि जब देश को ज़रूरत पड़े तब उसे डिफेंड किया जाए और देश की नेशनल सर्विस में पार्टिसिपेट किया जाए। जो फिफ्थ ड्यूटी है ये कहती है कि प्रमोट करो हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा लोगों के बीच में, और ये रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, हर तरीके के डाइवर्सिटीज को तोड़ते हुए ली जा सके एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन किया जाए। जो सिक्स ड्यूटी है वो ये कहती है कि प्रिजर्व करें रिच हेरिटेज को जिससे हमारा कल्चर बना हुआ है। यहाँ पे रिच हेरिटेज का मतलब है आर्ट एंड आर्ट फॉर्म्स, डांसेस हो गए, आर्किटेक्चर हो गया और अदर थिंग जिससे हमारा कल्चर बना है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसकी वैल्यू की जाए। जो सेवन ड्यूटी है वो कहती है कि जो एनवायरनमेंट उसको प्रोटेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। जो एट ड्यूटी है वो ये कहती है कि साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म को डेवलप किया जाए, जिसे हम कह सकते हैं कि मानवीयता लेके आई जाए एंड साथ में रैशनल थिंकिंग हो। जो नाइन्थ ड्यूटी है वो ये कहती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करें और अगर किसी प्रकार का वॉयलेंस है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश, वॉयलेंस नहीं होना। जो टेंथ ड्यूटी है ये कहती है कि स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि बेटर से बेटर होने की कोशिश की जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट ला सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। और जो लास्ट ड्यूटी है जो कि 11th है वो है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं ताकि उनको एजुकेशन मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञानी मॉन्क। हम नेक्स्ट वीडियो में अब प्रेजिडेंट करेंगे जो कि पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है।